नंदनी रोड में हुए गड्ढों से आक्रोशित कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के पदाधिकारियों द्वारा गड्ढे में बेशरम का पौधा रोपकर अपना आक्रोश जताया गया और प्रशासन से शीघ्र सड़क संधारण की मांग की गई। कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के सदस्यों द्वारा नंदनी रोड में जगह जगह हुए बेतहाशा गड्ढों को भरने की मांग को लेकर जिला प्रशासन, PWD और नगर निगम के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया गया था। इसके बावजूद मांग को नज़रअंदाज कर दिए जाने के कारण बुधवार को संगठन के अध्यक्ष सुमन शील के नेतृत्व में सदस्यों द्वारा नंदनी रोड में हुए गड्ढों में बेशरम का पौधा रोपकर अपना आक्रोश जाहिर किया गया और नारेबाजी कर प्रशासन से शीघ्र सड़क संधारण करने की मांग की गई, जिससे नंदनी रोड से आवाजाही कर रहे लोगों को सुरक्षित आवागमन का लाभ मिल सके। नंदिनी रोड पर पौधारोपण के दौरान छावनी पुलिस का बल भी मौके पर पहुंचा और नेतृत्वकर्ताओं से चर्चा कर उनकी मांगों का ज्ञापन लिया। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सुमन शील और सुमित्रा मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। यह कि आज भिलाई शहर में 70% सड़कें जर्जर अवस्था में है, उसमें से एक नंदिनी पावर हाउस जो कि यहाँ से या सड़क इतनी महत्वपूर्ण सड़क है जहाँ की लोग लाखों लोग प्रतिदिन यहाँ से आवागमन करते रहते हैं और इस सड़क पे हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के, यहाँ तक कि उच्च अधिकारी का भी आवागमन रहता है, जिसके संबंध में हम लोगों ने यह बताया था कि इस सड़क को जल्द से जल्द सुधारा जाए और जिसके लिए जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त एवं लोक निर्माण विभाग अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया था, परंतु उनके ज्ञापन सौंपने के बावजूद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण आज हम लोगों ने कल्याण सेवा जनजागृति संगठन के तत्वाधान में यहाँ के स्थानीय महिलाएं एवं स्थानीय लोगों के द्वारा आज बेशरम का पेड़ उन गड्ढों पर लगाया गया है, जिससे कि यहाँ अवगत हो जाए कि यदि यह समय जो है यदि समय रहते अगर उन लोग जागते नहीं है तो जो बेशरम का पेड़ लगाया गया है उसका जो फूल है अब जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को दिया जाए। यहाँ पे आज हम लोग आए थे प्रदर्शन करने के लिए कि इतनी परेशानियाँ हैं हम महिलाओं को भी, मार्केट जाती हैं, जब मार्केट से आती हैं हम तो रोड के किनारे चलते हैं लेकिन रोड में इतने गड्ढे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उस गड्ढे को बचाते हुए वो रोड के किनारे से जाते हैं, जो आए दिन यहाँ दुर्घटना होते रहती है, किसी को बाइक से लग जाता है, किसी बच्चे को लग जाता है, बड़े को लग जाता है, तो ये हमारे जान माल की सुरक्षा कौन करेगा? आखिर शासन प्रशासन करेंगे? जनता रोड की टैक्स पटा रही है फिर भी रोड सही नहीं है, तो हम ये हमारी दरख्वास्त है, ये मांग है कि जल्द से जल्द रोड को सुधारा जाए, सारे की जान माल की रक्षा की जाए। और अभी भाई बता ही रहे थे कि नवरात्रि आ रहा है जिसमें पैदल पैदल यात्री लोग पैदल यात्रा करते हैं, माता रानी के दर्शन को जाते हैं, मेला लगता है, मेला में लोग दर्शन करने जाते हैं, तो ये ऐसे ही गड्ढे रहेंगे तो आगे सुरक्षा लोगों की कैसे होगी? तो जल्द से जल्द ये रोड बने, यही हमारी मांग है। और ये है कि मांग जल्द से जल्द अगर पूरा नहीं होता है तो आगे हम लोग आंदोलन करेंगे इसके लिए, सड़क के लिए। गौरतलब है कि नंदिनी रोड में हुए गड्ढों की वजह से आवाजाही करते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दुपहिया वाहन चालक आए दिन वाहनों से असंतुलित होकर गिरते हैं, गड्ढों में पानी भर जाने से स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है, जिससे यहां हर वक्त बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।